अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं लब्बे शीरी, उसमें जो चीज़ें ऐड होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। क्वांटिटी में आपको साथ साथ वीडियो में बताती जाऊंगी। इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क, कॉन्डेंस मिल्क, वर्मीसेली, क्रीम, जेली, आलमंड्स, शुगर, कॉर्न स्टार्च, फ्रूट कॉकटेल। लब्बे शीरी के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। अब मैं इसे गर्म कर रही हूँ। जब गर्म हो जाएगा तो इसमें सेवैया ऐड कर दूंगी। दूध गर्म हो गया है, अब मैं सेवैया ऐड कर देती हूँ। 1 कप सेवैया ली मैंने। ये सेवैया मोटी होती हैं, काफ़ी टाइम लेती हैं, इसलिए आप इन्हें 15-20 मिनट रखेंगे तब पकेंगी। 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च ऐड करना है। थोड़े से पानी में इस मिक्स कर लेती हूँ। सेवैया हमारी कुक हो गई हैं। अब मैं थोड़ा सा दूध लेके इसमें कॉर्न स्टार्च में ऐड करती हूँ ताकि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। अब आस्ता आस्ता ऐड कर देते हैं। फोर टेबल स्पून कंडेंस मिल्क डालना है। इतना ठीक हो गया। 2 टेबलस्पून शुगर, 4 टेबलस्पून मैंने पहले कंडेंस्ड मिल्क डाला है। शुगर मिक्स हो गई है, अब मैं नीचे उतार लेती हूँ। ठंडा होने पर फिर रेडी करते हैं इसे। 250 ग्राम मैंने क्रीम ली है। फ्रूट कॉकटेल के मैंने 1 टिन ली है, मैं इसे मिक्स कर देते हैं इसमें। 2 किस्म की जेली बनाई है, अब मैं इसे काट लेती हूँ। अब छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काटूंगी। ये पाइनएप्पल फ्लेवर है और दूसरा स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर भी है। सेवैया हमारी ठंडी हो गई हैं, अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। अब मैं ये क्रीम और जो फ्रूट कॉकटेल बना के रखा हुआ था ये भी इसमें ऐड कर देती हूँ। आलमंड मैंने बॉयल कर लिए थे और छिलका भी इसको उतार दिया। लब्बी शीरी हमारी रेडी है, मैंने जेली से डेकोरेट कर लिया है। यकीनन आपको पसंद आएगी। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।